ज्वालामुखी में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की एसओपी के तहत नियमित कक्षाएं शुरू हुई। हर स्कूल ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किए गए हैं। स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं है, हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं है। पहले की तरह स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी स्कूल प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने बताया कि 1 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं और सभी निर्देशों का पालन हो रहा है। स्कूल सैनिटाइज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही सैनिटाइज किया गया है स्कूल को। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल शुरू हुए हैं। जैसे आज 1 फरवरी को स्कूल खुले हैं तो हमने सारा प्रबंध कर लिया था। पहले ही स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया था। आज सुबह भी स्कूल को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया, सभी की थर्मल स्कैनिंग हुई। उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग से ही उनको अपने अपने क्लासरूम में बिठाया गया है। बाकी सभी अध्यापकों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों की कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, गेम्स वगैरह कोई नहीं होगी। तो ये सारे प्रबंध जो एसओपी के तहत हमने कर लिए हैं। कितने बच्चे हैं सर? 10th में कितने बच्चे हैं और प्लस 2 में कितने बच्चे हैं सर? जो आ जाए। हाँ जी, नहीं ऐसे कितने और टोटल आज कितने आए हुए हैं? तो 10th क्लास में टोटल हमारे पास 39 बच्चे हैं, उनमें से 14 बच्चे आए हैं। और 8th क्लास में हमारे पास जो हैं 19 बच्चे हैं, वो भी 14 बच्चे आए हैं। और प्लस 2 में हमारे पास 125 बच्चे हैं, उनमें से 85 बच्चे आए हैं। और प्लस 1 में 128 बच्चे हैं, उनमें से 51 बच्चे स्कूल में आए हैं। टोटल 164 बच्चे स्कूल में आज आए हैं। छठी और सातवीं क्लास की जो क्लासेज हैं उनकी स्टडी जो एज इट इज ऑनलाइन ही चली है। टोटल स्कूल में हमारे पास 389 बच्चे हैं। तो इसमें से हमने जो 9th और प्लस 1 क्लास है इसको अल्टरनेटिव डे में बुलाया है। और टाइम रह गए स्कूल टाइमिंग की बात, जो 10वीं और प्लस 2 के बच्चे हैं उनका टाइम हमने 9 बजे रखा है। और 9th और प्लस 1 का और 8th क्लास का टाइम जो हमने 9:15 बजे रखा है। जो क्लास 9 बजे आएगी उसको छुट्टी 3 बजे होगी, जो 9:15 बजे आएगी उसको छुट्टी 3:15 बजे होगी। और इसी तरह इनका रिसेस टाइम भी जो है वो हमने अलग अलग रखा है। प्राइमरी स्कूल मैडम ने बताया कि सरकार के नियमों के तहत बच्चे स्कूल आ रहे हैं, किसी पर भी कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। अभिभावकों को रजामंदी से छात्र स्कूल आ रहे हैं। सरकार के निर्देश है, जैसे बच्चों के लिए जब बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो एक तो हम पहले उनको प्रेस नहीं कर सकते कि सभी न्याणा है जो बच्चे घर से पेरेंट्स भेजते हैं, तो जैसे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो गेट पे उनको सैनिटाइज हाथ सैनिटाइज करने, उनके रूम सैनिटाइज किए हुए हैं, सवेरे सवेरे दोबारा से उनको सैनिटाइज किया गया जी। और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिठाया जा रहा है। और दूसरी बात, बच्चों को जैसे बाथरूम वगैरह जाना, उन्होंने तो उसके लिए भी बोला कि आके आपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, हाथ अच्छी तरह धोने हैं और एक दूसरे से ज़्यादा टच नहीं करना है। कुल कितने बच्चे हैं जी 5वीं क्लास में आपके? 5वीं क्लास में हमारे इस टाइम 13 बच्चे हैं। और कितने आए हुए हैं आज? 5 बच्चे हैं इस टाइम। थैंक यू।